वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. वेलकम टू TSN स्कूल क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स एंड चैप्टर नंबर 12. यूनिट 8 है आपका. यूनिट 8 में आपका क्या एटम्स एंड न्यूक्लियाई, जिसमें चैप्टर नंबर 12 है आपका एटम्स एंड चैप्टर नंबर 13 में आपका क्या आएगा न्यूक्लियाई. टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 12 एटम्स. ओके, एटम्स क्या है? मैटर है, जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सारे एटम हैं. एटम इतने स्मॉल होते हैं, ठीक है, वो तो आप जानते ही हो. एन एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन टेक पार्ट इन ऑल फिजिकल एंड केमिकल रिएक्शंस. जितने भी फिजिकल और केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसमें वो पार्ट लेते हैं, ठीक है. एटम्स, एन एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन टेक पार्ट इन ऑल फिजिकल एंड केमिकल रिएक्शंस. अब देखिए, एटम्स जो हैं आपके, इस पे आपके 3% यानी कि 3% ने आपकी इन पे थ्योरी दी थी. एक थॉमसन मॉडल ने, एक आपका रदरफोर्ड मॉडल और एक आपका आता है बोर मॉडल. इन तीनों ने अपने अलग अलग विचार रखे इस पे, एटम्स पे, कि एटम कहाँ रिवॉल्व करता है, एटम क्या है, क्या कंसिस्ट करता है. ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले जो थॉमसन का मॉडल आता है, थॉमसन ने अपना किया कि अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, इस मॉडल के अकॉर्डिंग एन एटम कंसिस्ट्स ऑफ अ न्यूक्लियाई. जैसे आपके, आप जानते हो कि जैसे अपन सेल्स बनाते हैं, ठीक है, तो बीच में जो आपका होता है वो क्या होता है, न्यूक्लियस, जिसमें आपके क्या होते हैं प्रोटोन और न्यूट्रॉन. और न्यूक्लियस के अराउंड क्या होती हैं, शेल्स होती हैं या ऑर्बिट्स होती हैं, उसमें क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं. अब तक तो अपन ये जानते हैं, लेकिन उससे भी पहले क्या आया था आपका थॉमसन मॉडल. थॉमसन ने अपना क्या राय दी थी कि अकॉर्डिंग टू द दिस मॉडल, इस मॉडल के अकॉर्डिंग एन एटम कंसिस्ट्स ऑफ अ न्यूक्लियस. एटम जो है वो न्यूक्लियस में कंसिस्ट करता है, इन विच देयर आर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स. न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटोन और न्यूट्रॉन, और उसके जो शेल्स होती हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इनसाइड द न्यूक्लियस. वो अपन जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, जो ऑर्बिट्स होती हैं उस पर रिवॉल्व करते हैं उस न्यूक्लियस के अराउंड शेल्स पे. ओके, लेकिन ये थॉमसन ने अपना क्या विचार दिया था, थॉमसन ने बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन आर एमिडेड, एमिडेटेड मतलब उस न्यूक्लियस के पास आते हैं इलेक्ट्रॉन्स, लाइक सीड्स इन वाटरमेलन. जैसे वाटरमेलन के अंदर जो सीड्स होती हैं उस तरीके से न्यूक्लियस के पास आते हैं इलेक्ट्रॉन्स, लाइक सीड्स इन वाटरमेलन, ठीक है. फिर लेकिन जो बट दिस थ्योरी वॉज रॉन्ग बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट एमिडेटेड इन साइड द न्यूक्लियस. ये थ्योरी उनकी क्या हो गई, रॉन्ग हो गई, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के पास नहीं आते हैं या न्यूक्लियस में नहीं होते हैं, एमिडेटेड इन साइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में नहीं होते हैं. इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, वो ऑर्बिट्स होती हैं उसमें रिवॉल्व करते रहते हैं. लेकिन सबसे पहले जो आपकी थॉमसन की जो थ्योरी आई थी, थॉमसन ने क्या रीति राय, थॉमसन ने कहा था कि अकॉर्डिंग दिस मॉडल एटम्स कंसिस्ट करता है न्यूक्लियाई में, जिसमें क्या होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो भी उस न्यूक्लियस के क्या आते हैं, अंदर आते हैं, जैसे कि वाटरमेलन के जो सीड्स हैं उस तरीके से. लेकिन जो उनकी थ्योरी हो गई वो भी क्या हो गई, रॉन्ग हो गई, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट एमिनेट इनसाइड द न्यूक्लियस. क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, उस न्यूक्लियस के इनसाइड नहीं होते हैं, वो ऑर्बिट्स के चारों ओर रिवॉल्व करते रहते हैं. फिर आया आपका सेकेंड रदरफोर्ड. रदरफोर्ड ने क्या किया, रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग करी, उसका एक्सपेरिमेंट लिया, ठीक है. रदरफोर्ड ने क्या करी, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया. अब ये देखिए, आपका जो ये इस तरीके से स्पार्ट में बना हुई गोल्ड फॉइल शीट है आपकी, इसमें अल्फा पार्टिकल का रदरफोर्ड ने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया. अल्फा पार्टिकल को आपने, इन्होंने क्या किया, मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू गोल्ड फॉइल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन. इस गोल्ड फॉइल के पास थ्रो किया किसी भी डिफ्लेक्शन के बगैर. अब देखिए, इसमें कुछ अल्फा पार्टिकल तो क्या हो गए, बिल्कुल सीधे ही निकल गए, यानी कि वो एम्प्टी स्पेस होगा तो उसमें वो क्या हो गए, अल्फा पार्टिकल कुछ इस गोल्ड फॉइल से सीधे निकल गए. अब कुछ अल्फा पार्टिकल क्या हो गए आपके, इनके इस तरीके से डिफ्लेक्शन में निकले, यानी कि उधर क्या होगा आपका, कोई ना कोई यहाँ पे अट्रैक्शन होगा, जिससे वो जो अल्फा पार्टिकल होते हैं वो प्रोटॉन और क्या होते हैं न्यूट्रॉन, तो कोई ना कोई यहाँ पे क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, नेगेटिव होगा, तो इससे क्या हो गया, वो डिफ्लेक्ट हो गए,
देखिए कुछ आपके इधर अल्फा से कुछ ना कुछ एंगल थीटा बना रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, रिपेल कर रहे हैं, और इस तरीके से ये अल्फा पार्टिकल भी क्या हो रहे हैं, रिपेल हो रहे हैं। और कुछ जो अल्फा पार्टिकल हैं वो आपके न्यूक्लियाई की तरफ गए लेकिन वहाँ से वापस लौट गए, रिट्रेस हो गए। तो यानी कि इसका मतलब क्या है कि जो न्यूक्लियाई पे वो क्या है, वहाँ का जो मीडियम है वो डेंस मीडियम है, तो इसलिए वो वहाँ से क्या हो गए, वापस रिट्रेस हो गए, वापस आने लगे, ठीक है। तो हमने अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग कराई इस गोल्ड फॉइल शीट में, कुछ अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए बिकॉज ऑफ एम्प्टी स्पेस, और कुछ क्या हो गए, रिपेल हो गए, रिपेल होके डिफ्लेक्शन बनाया एंगल थीटा पे, और जहाँ सेंटर पे है वहाँ से आपके सेंटर से न्यूक्लियाई की तरफ गए तो वहाँ मीडियम डेंसर था, तो वहाँ से वो कुछ अल्फा पार्टिकल क्या हो गए, रिट्रेस हो गए। ओके स्टूडेंट्स, तो ये देखिए आपका ये जो हमने बोला वही लिखा हुआ है कि जो इसका ऑब्जर्वेशन आया वो ऑब्जर्वेशन क्या आया, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू गोल्ड फॉइल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, ठीक है। उसमें कह रहा है कि सम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स डेविएट थ्रू सम स्मॉल एंगल्स, कुछ अल्फा पार्टिकल डेविएट हो गए कुछ एंगल से, जो आपके ये वाले है ना ऊपर जो अल्फा एंगल्स इस तरीके से और इस तरफ जो एंगल आ रहा है यानी कि जहाँ एंगल बन रहा है तो डेविएट हो गए थ्रू स्मॉल एंगल्स, और कुछ जो ओनली वन अल्फा पार्टिकल आउट ऑफ 8000 रिट्रेसेस इन पाथ, मतलब कुछ जो अल्फा पार्टिकल्स हैं, वन अल्फा पार्टिकल ऑफ आउट 8000 रिट्रेस इन अ पाथ, मतलब क्या हो गए आपके रिट्रेसेस हो गए इन द पाथ, इस पाथ से न्यूक्लियर की तरफ गए, वहाँ दिखा कि मीडियम क्या था, डेंसर था, तो वहाँ से वो वापस क्या हो गए, रिट्रेस हो गए। तो ओनली वन अल्फा पार्टिकल आउट ऑफ 8000 रिट्रेसेस इन इट्स पाथ, ओके। तो फिर आपका इसमें कॉन्क्लूजन क्या निकला, रदरफोर्ड में जो कॉन्क्लूजन निकला, रदरफोर्ड ने क्या किया आपके थॉमसन मॉडल के क्या किया, कुछ इम्प्रूवमेंट किया। रदरफोर्ड के जो मॉडल में जो भी कमियां थी उसमें क्या कमी थी कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एमिडेटेड होते हैं न्यूक्लियस के, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, वो उनकी थ्योरी क्या होगी, रॉन्ग हो गई, क्योंकि वो एमिडेट नहीं होते हैं। तो रदरफोर्ड ने अपनी गोल्ड फॉइल पे अल्फा पार्टिकल्स का स्कैटरिंग करी, तो उन्होंने देखा कि कुछ अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए, कुछ एंगल से आपके निकल रहे हैं और कुछ वापस रिट्रेस हो रहे हैं। तो इनका कंक्लूजन क्या निकला फाइनली, तो देयर इज सम एम्प्टी स्पेस इन बिटवीन द गोल्ड फॉइल, कुछ जो अल्फा पार्टिकल थे वो गोल्ड फॉइल के सम एम्प्टी स्पेस में सीधे निकल गए, एंड देयर इज सम चार्ज प्रेजेंट ऑन द न्यूक्लियस, कुछ न्यूक्लियस में चार्ज था प्रेजेंट था, उसके कारण वो क्या हो गए, डेविएशन एंगल बनाया। और थर्ड जो पॉइंट है, देयर इज अ डेंस न्यूक्लियस, जहाँ न्यूक्लियस क्या था, डेंस था, प्रेजेंट प्रिवेंट एट द सेंटर बिकॉज अल्फा पार्टिकल विच रिट्रेसेस इट्स पाथ, डेंस था मीडियम तो वहाँ से अल्फा पार्टिकल क्या हो गए, रिट्रेसेस हो गए इट्स पाथ मूविंग अलोंग द सेंट्रल लाइन, सेंट्रल लाइन से वो क्या हो गए, मूव हो गए। इनकी लिमिटेशंस क्या थी, लिमिटेशंस थी कि अकॉर्डिंग टू द रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के रिवॉल्विंग अराउंड करते हैं विद लूजिंग देयर एनर्जी, वो अपनी एनर्जी को क्या करते हैं, लूज करते हैं, मतलब न्यूक्लियस के जो अराउंड हैं इलेक्ट्रॉन तो रिवॉल्विंग करते हैं लेकिन रिवॉल्व करते करते वो अपनी एनर्जी को भी क्या करते हैं, लूज करते हैं। तो एनर्जी लूज करते हैं यानी कि वो कहीं ना कहीं जाके न्यूक्लियस में ही जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं था क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ऑर्बिट्स में ही अपने चारों ओर क्या करते हैं, चक्कर काटते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं, उनकी एनर्जी वहाँ पे क्या होती है, हर ऑर्बिट पे उनकी एनर्जी क्या होती है, कांस्टेंट होती है, एनर्जी को लूज़ नहीं करते हैं, रिवॉल्व भी करते रहते हैं। तो इनका भी ये मॉडल यहाँ पे क्या हो गया, फेल हो गया। उन्होंने ये तो बोला कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व तो करते हैं लेकिन अपनी एनर्जी को भी लूज़ करते हैं, बट ही वॉज रॉन्ग, वहाँ पे वो गलत थे, बिकॉज इफ़ इट सो दे विल फाइनली फुल इन द न्यूक्लियस, मतलब अगर एनर्जी को लूज़ करेंगे तो वहाँ फाइनली लूज़ करेंगे तो वो कहाँ पहुँचेंगे, न्यूक्लियस पे, जो कि क्या था आपका, रॉन्ग था, ठीक है। अब उनका जो क्या था फिर बोर मॉडल, तो बोर मॉडल ने इस रदरफोर्ड मॉडल्स को और थॉमसन मॉडल को दोनों को मिला
जाके कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे। उससे पहले आपका आता है डिस्टेंस ऑफ अ क्लोजर अप्रोच। ये क्या होता है, क्लोजर अप्रोच क्या होता है, ये देखिए अल्फा पार्टिकल जो आपके न्यूक्लियस से अल्फा पार्टिकल रिट्रेस हो रहे थे, तो जैसे ही वो डेंस पार्टिकल से रिट्रेस होंगे तो जहाँ से वो न्यूक्लियस से टकराया और वापस जहाँ पर रिट्रेस, जहाँ से वो रिट्रेस होने लगा उस तक की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, आर नॉट। ठीक है, अब इसमें हमें इसी आर नॉट को हम बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, और इस आर नॉट की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसमें व्हेन अल्फा पार्टिकल आर प्रोजेक्टेड टूवर्ड्स न्यूक्लियस देन अ स्टेज कम एट विच अल्फा पार्टिकल रिट्रेस इट्स पाथ। वही कह रहा है कि जब अल्फा पार्टिकल को हमने प्रोजेक्टेड कराया टूवर्ड्स द न्यूक्लियस से, देन अ स्टेज कम एट विच अल्फा पार्टिकल रिट्रेस इट्स पाथ, वो अपने पाथ से क्या हो गया, रिट्रेस हो गया, वापस आया। दैट डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस टू फ्रॉम वेयर अल्फा पार्टिकल रिट्रेस इट्स पाथ, दैट डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस टू फ्रॉम वेयर अल्फा पार्टिकल रिट्रेस इट्स पाथ इज कॉल्ड डिस्टेंस ऑफ अ क्लोजेस्ट अप्रोच। जिस इसमें कह रहा है दैट डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, उस न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस है जहाँ से अल्फा पार्टिकल रिट्रेस हुआ इट्स पाथ, फ्रॉम वेयर अल्फा पार्टिकल रिट्रेस इट्स पाथ इज कॉल्ड डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। इसी को हम क्या बोलते हैं, क्लोजेस्ट अप्रोच, जिसको हम किसे लिख रहे हैं, आर नॉट से। अल्फा पार्टिकल को हमने प्रोजेक्टेड करवाया और इसकी वेलोसिटी क्या थी, वी। ठीक है, तो आपका अल्फा पार्टिकल रिट्रेस इज स्मार्ट वेयर काइनेटिक एनर्जी, अल्फा पार्टिकल क्या हो रहे मूव कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं यानी कि वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी होगी। तो व्हेन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल गेट कन्वर्टेड इन टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, अब जहाँ से वो रिट्रेस हो रहे हैं यानी कि जिस पॉइंट से आपके आर नॉट से पहले जो पॉइंट लगा है वहाँ पे इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, खत्म हो गई, खत्म हो गई। तो वो जो कन्वर्टेड हो गई किस में हो गई, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो इसका मतलब है कि अल्फा पार्टिकल रिट्रेस इट्स पाथ, जहाँ से वो अल्फा पार्टिकल क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं यानी कि वहाँ पे क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी आते आते यहाँ पे क्या होती, खत्म हो जाती है। तो वहीं से उसमें वो काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होके वापस रिट्रेस होते हैं। ठीक है, अब देखिए आपका हाफ एम वी स्क्वायर है, आपका ये क्या है, आपका हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर, वी स्क्वायर नहीं लगाया, हाफ एम वी स्क्वायर आपका पहले देखिए राइट हैंड साइड में हमने वी इजिकल्स टू, ये आपका है वी इजिकल्स टू, यहाँ पे देखिए हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू फाइंड आउट करी है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, वर्क अपॉन चार्ज। तो यहाँ से वी इंटू क्यू इजिकल्स टू क्या होगा, वर्क, और वर्क क्या है आपकी एनर्जी, और उसी एनर्जी को हमने क्या मान लिया, पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ से पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या होगी, वी इजिकल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन फोर पाई एप्सिलॉन आर और आएगा, इसके साथ क्या आएगा, आर और आएगा। तो यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट की पोटेंशियल, इसकी पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू आपकी क्या है, इजिकल्स टू वी इजिकल्स टू क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए आपका ऊपर हमने चार्ज इजिकल्स टू जेड ई लिख रखा है, जहाँ डायग्राम बना हुआ उधर देखिए जो आपका चार्ज है, तो इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। तो जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ही हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर। तो जिसको हमने जेड से लिखा और उसके साथ कोई ना कुछ चार्ज होगा जिसको हमने ई से डिनोटेट किया है, तो चार्ज इजिकल्स टू एटॉमिक नंबर इनटू चार्ज जिसको हमने ई से लिखा है। तो जहाँ जेड क्या है आपका, एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ से हाफ एम वी स्क्वायर इजिकल्स टू क्या होगा, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, और जो वी इजिकल्स टू किसके आएगा, यहाँ से वी की वैल्यू हम सब्सटीट्यूट करेंगे, क्या होता है वी क्यूब, जो पोटेंशियल एनर्जी है, जो काइनेटिक एनर्जी है, वो किस में कन्वर्ट हो गई, पोटेंशियल एनर्जी में। तो इस पोटेंशियल एनर्जी को हम क्या लिख सकते हैं, वी की वैल्यू वी इंटू क्यू, वी इंटू क्यू यानी कि वी की वैल्यू हमारी क्या निकली है, क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट और आर की जगह हमने क्या रख दिया, आर नॉट, जो कि आपके क्या है, क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ओके, और जो क्यू है, जो वो क्यू क्या है आपका, जेड ई, और जो वी वी इंटू क्यू है, तो वी के साथ जो क्यू लगा हुआ है उसका चार्ज क्या आएगा, इसमें इलेक्ट्रॉन भी होंगे अल्फा पार्टिकल में और प्रोटॉन भी होंगे,
तो जो इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो नेगेटिव चार्ज होगा, दो प्रोटॉन का चार्ज कितना आता है आपका 2e, वो हमने 2e लगाया हुआ है, ठीक है। अब हाफ एम बी स्क्वायर इजिकल्स टू क्या निकल के आया, 1/4πε0ZeR0 और इंटू 2e, जो एक चार्ज और था v इंटू क्यू के साथ, ये वो वाला q का चार्ज है, और जो v के साथ q अपॉन 4π वो q यानी कि Ze का चार्ज है, जो आपका इसके साथ रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से अपन अब किसकी हमें डिस्टेंस अप्रोच क्लोजेस्ट अप्रोच की वैल्यू निकालनी है, वो क्या है आपका आर नॉट। यहाँ से आर नॉट की अगर वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं तो आपका क्या आएगा, 1/4πε0 Ze इंटू 2e, और जो हाफ एम बी स्क्वायर है वो कहाँ जाएगा आपका नीचे, और जो हाफ एम बी स्क्वायर है वो आपकी काइनेटिक एनर्जी है, और काइनेटिक एनर्जी को हम ई भी लिख सकते हैं, तो हाफ एम बी स्क्वायर को हमने क्या लिख दिया ई। तो आर नॉट इज इक्वल टू 1/4πε0 Ze इंटू 2e अपॉन ई। ओके स्टूडेंट्स,